बागली को जिला बनाने की मांग विगत कई वर्षों से उठ रही है। कई बार जिला बनाओ समिति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, रैलियां, विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। हर बार राजनेताओं द्वारा सिर्फ क्षेत्र की जनता को आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक बागली जिला नहीं बन पाया है। आगामी दिनों से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उसी के दौरान एक बार फिर बागली को जिला बनाने की मांग तेजी से होती दिखाई दे रही है। वर्तमान में जिला बनाओ समिति के नेतृत्व में बागली में थाना चौराहे पर विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चापड़ा पुंजापुरा में सभा को संबोधित करते हुए बागली को जिला बनाने की बात कही थी एवं हाटपिपलिया विधानसभा में 2020 में बागली को जिला बनाने के लिए कहा था कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, बागली को जिला बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक बागली जिला नहीं बन पाया है। जिला बनाओ समिति के सदस्य सहित आमजन भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंचों से दिए गए भाषण और किए गए वादों के वीडियो वायरल कर उन्हें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बागली को जिला बनाया जाता है या नहीं। जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अन्य नए जिले बनाए गए हैं, धरना प्रदर्शन मंच पर लगातार क्षेत्र के हर संस्था के लोग जनप्रतिनिधि पहुँच कर इसका समर्थन कर रहे हैं। हमने 9 अगस्त से क्रांति दिवस से धरना आंदोलन चालू किया था जो वर्तमान में अनवरत रूप से चल रहा है। और वैसे तो हम इस जिले की मांग को लेकर लगभग 12-13 साल से यहाँ से लेकर भोपाल तक लड़ाई लड़ चुके हैं। चार बार मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है और मंच से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि जिला हम बनाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रामायण की चौपाई के रूप में भी उद्धृत करते हुए बताया है कि रघुपति की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैलाश जी के जोशी जो हमारे पितृपुरुष हैं, जो एक मालवा की माटी की पहचान है, पूरे प्रदेश में जो संत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके सामने भी उन्होंने वादा किया था कि बागली जिला बनेगा। उनके दिवंगत हो जाने के पश्चात भी उन्होंने उनके समाधि स्थल पर भी बोला था कि बागली जिला बनेगा, लेकिन बागली को उन्होंने छोड़ते हुए अन्य जिले, चाहे वो निवाड़ी हो, महूगंज हो या नागदा, उनको जिले बना दिए। जबकि इस बागली ने हमेशा भाजपा सरकार का, जब से जनसंघ है उसके पहले से साथ दे रही है, हमेशा लगातार भाजपा के विधायक दिए, वर्तमान में भी विधायक भाजपा के हैं पहाड़ सिंह जी कन्नौजे, वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी हमारी इस मुहिम में साथ रहने का वादा किया और उन्होंने बोला कि मैं तन मन धन से अपने जिले की मांग को भोपाल तक पहुंचाऊंगा और बागली को निश्चित रूप से जिला। चूँकि हमने विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है, इसलिए हमने ये भी प्लान किया है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अभी तो हम सभी एक स्थान पर बैठकर धरना कर रहे हैं। हम इससे आगे और हमारे जो आगे की योजना है वो विधानसभा बागली जो पूरी विधानसभा है उसमें, हाटपिपलिया विधानसभा है उसमें जाने की हमारे प्लान नहीं। हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे और हमारी मांग हर गांव से उठे इस प्रकार का प्रयास करेंगे। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।